नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों, जिन्होंने भी अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज का डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। इसमें प्रावधान है कि अगर किसी लड़की ब्रैकेट स्टार्ट स्थाई नागरिक ब्रैकेट क्लोज की शादी दूसरे राज्य के व्यक्ति या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से होती है कॉमा जो राज्य का स्थाई नागरिक ना हो तो उसका विशेष अधिकार खत्म हो जाता है, पूर्ण विराम, उसे पैतृक संपत्ति में ना तो हिस्सा मिलेगा और ना ही उसके वारिसों को, पूर्ण विराम। कोर्ट इस मामले में दायर कई याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है, पूर्ण विराम। मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को तय की गई है, पूर्ण विराम। राज्य सरकार 35 ए के पक्ष में खड़ी है, पूर्ण विराम। उसका तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने 1961 व 1969 में अपने फैसलों में माना था कि राष्ट्रपति को संविधान की धारा 370 ब्रैकेट में एक ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट में डी ब्रैकेट क्लोज में अधिकार है कि वह संवैधानिक आदेश पारित कर सकते हैं, पूर्ण विराम। राज्य का कहना है कि इस मामले को जम्मू डैश कश्मीर हाई कोर्ट ने सुलझा दिया था, पूर्ण विराम। 2002 में हाई कोर्ट ने बहुमत से दिए फैसले में माना था कि राज्य की स्थाई नागरिक का पैतृक संपत्ति व अन्य मामलों में अधिकार तब भी बना रहेगा जब वह किसी गैर स्थाई नागरिक से विवाह करती है, पूर्ण विराम। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 35 ए पर केंद्र व राज्य से जवाब तलब किया है, पूर्ण विराम। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, पूर्ण विराम, जिसमें 35 ए को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है, पूर्ण विराम। बेंच में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड व ए एम खानविलकर
भी शामिल हैं। पूर्ण विराम। बेंच ने याचिका को इसी तरह की अन्य याचिकाओं के साथ संबद्ध करते हुए यह आदेश जारी किया है। पूर्णराम। अपील में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने 35 ए को शामिल करने के दौरान अनुच्छेद 35 को संशोधित नहीं किया था। पूर्णराम। केवल एक अधिसूचना के जरिए 35 ए को संविधान में शामिल कर लिया गया। पूर्णराम। इसमें राज्य के मूल निवासियों के अलावा अन्य सभी को बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा गया है। पूर्णराम। जम्मू डैश कश्मीर के बाहर जन्म लेने वाले को ना तो यहाँ जमीन खरीदने का अधिकार है और ना ही राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में लाभ लेने का हक। पूर्णराम। याचिका में 272 सफाई कर्मियों का हवाला दिया गया, कौमा जो पंजाब के अमृतसर व गुरदासपुर से जम्मू डैश कश्मीर गए थे। पूर्णराम। जम्मू नगर पालिका में हड़ताल होने पर राज्य सरकार ने इन्हें काम के लिए 1957 में बुलाया था। पूर्णराम। इसके बाद ये लोग वहीं पर रह गए, कौमा लेकिन जो बच्चे बाद में वहां पर जन्मे उन्हें 35 ए की वजह से जरूरी अधिकार भी नहीं मिल पा रहे हैं, कौमा याचिका में कहा गया है कि इन लोगों का क्या कसूर है। पूर्णराम। इन्हें जरूरी सुविधाएं ना देकर राज्य सरकार संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 21, 32 व 29 व 29 की अवज्ञा कर रही है। पूर्णराम। 272 लोगों के परिवारों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। पूर्णराम।
ना तो इन्हें सरकारी नौकरी के लायक समझा जा रहा है और ना ही शैक्षणिक सुविधाएं इन लोगों को मिल रही हैं। पूर्ण विराम, स्टॉप। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करें। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।